नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको मोंटीकोर्ब टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस, कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको मोंटीकोर्ब टैबलेट के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो मोंटीकोर्ब टैबलेट, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 99 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और समय के साथ साथ इसकी मार्केट प्राइस बढ़ती रहती है। और यह 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है। और कंपनी की बात करें तो इसको मैनकाइंड फार्मा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, बहुत ही मशहूर कंपनी है, आपको हर जगह हर एक मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं इसके कॉन्टेंट के बारे में, इसमें क्या मिलाया गया है। तो इसमें मोंटेलुकार सोडियम और लिवोसिट्रिजिन होता है। इसके प्रत्येक टैबलेट में मोंटेलुकार सोडियम जो कि 10 mg में होता है और लिवोसिट्रिजिन जो कि 5 mg में होता है। आइए जान लेते हैं मोंटीकोर्ब टैबलेट के फ़ायदे के बारे में, इसका इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसके क्या क्या यूजेज हैं। तो यह एक एंटी हिस्टामिन और ब्रोंकोडायलेटर दवा है। यह एलर्जी की प्रक्रिया को ठीक करता है। एलर्जी के कारण जितनी समस्याएं होती हैं उन्हें ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मौसमी एलर्जी, नाक से पानी बहना, आँखों से पानी बहना, बार बार छींके आना, सर्दी जुकाम, इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा त्वचा में कहीं पे खुजली हो रही हो, दाने निकल गए हों, एलर्जिक प्रॉब्लम हो गया हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कोई दवा खा लेने से एलर्जी हो गई हो, शरीर में दाने निकल गए हों, खुजली हो रही हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर गला ख़राब हो गया हो, खांसी की समस्या हो, गले में खराश हो तो उसे भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अस्थमा यानी कि सांस लेने में कठिनाई हो रही हो, श्वास नली में कहीं पे इन्फेक्शन हो गया हो तो इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी प्रकार से अगर एलर्जी हो गई हो तो उसे ठीक करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट्स हमारे शरीर में एलर्जी की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार प्राकृतिक पदार्थ हिस्टामिन को रोकने का काम करता है, जिससे कि एलर्जी बहुत ही जल्द ठीक हो जाती है। और आइए जान लेते हैं मोंटीकोर्ब टैबलेट के डोज के बारे में, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस टैबलेट को एक एडल्ट व्यक्ति दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको रात में खाना खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग होता है और समस्या के ऊपर निर्भर करता है कितने दिन इस्तेमाल करना है। तो डॉक्टर्स जितने दिन तक कहें उतने दिन तक इसका इस्तेमाल करें और जितनी मात्रा में कहें उतनी ही मात्रा में इसका इस्तेमाल करें। और आइए जान लेते हैं मोंटीकोर्ब टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त की समस्या, मुंह सूखना, नींद आना, चक्कर आना और इसके अलावा घबराहट महसूस होना, सर दर्द होना, इसके अलावा आलस आना, तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सबको नहीं होते हैं। और कुछ सावधानियों की बात करें तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जो लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें वाहन आदि नहीं चलाना चाहिए और न ही कोई भारी काम करना चाहिए, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद आलस महसूस होता है और नींद भी आ सकती है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी मोंटीकोर्ब टैबलेट के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।